बच्चा पार्टी, जब तुम सारे लोग कोई भी सिंप्लीफिकेशन करने लगते हो या कोई भी सवाल सॉल्व करने लगते हो, तो क्या होता है कि उसमें तुम्हें कई जगहों पे वर्ग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वर्ग, स्क्वायर निकालना पड़ता है। और उस समय अगर तुम स्क्वायर निकालने बैठ गए, अगर तुम स्क्वायर निकालने बैठ गए, तो फिर तुमसे फिर उस सवाल को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो किसी भी सवाल में जिसमें तुम्हें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? स्क्वायर की, तो मैक्सिमम दो अंक के स्क्वायर तुम्हारे सवालों में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो तुम्हें मैं दो अंकों में एकदम मास्टर बना दूंगा, एकदम मास्टर। बस केवल तुम 5 से 10 मिनट मेरे साथ लग जाओ बस, ठीक है? तो उसमें सबसे पहला नियम देखो, चलो कम ऑन जल्दी से। सबसे पहला नियम जो है वो ये है कि अगर संख्याओं के अंत में क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो, तो तुम्हें जीरो की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जीरो के बगल वाला, इधर देखो, जीरो के बगल वाला जो संख्या है उसका स्क्वायर कर दो। अब इतना तो पता ही है यार कि एक एक के एक को एक से गुणा करेंगे कितना, एक एक के एक, और यहां पे स्क्वायर लगा है ना, तो यहां पे कितना जीरो है, दो, एक, तो यहां पे दो जीरो लगा दो, दो जीरो लगा दो। फिर वैसे ही इसमें दो दूना चार, कितना जीरो, दो, बहुत बढ़िया। चलो कम ऑन जल्दी से, 5 × 5 = 25, कितना जीरो, दो। कनेक्ट कर पा रहे हो? Yes. मस्त, बढ़िया एकदम। Yes. चलो अब मैं जिससे पूछूंगा, चलो नीतीश, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 4 × 16, 4 × 16, कितने जीरो, दो, बहुत बढ़िया, बैठो तुम खड़े हो जाओ। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 8 × 8 = 64, कितने जीरो, दो जीरो। बातें समझ में आ रही ना? चलो अब जैसे यहाँ पे करना है 60 का स्क्वायर, कितना, 60 का स्क्वायर, तो 6 × 6 = 36, कितने जीरो, डबल जीरो। 7 × 0 = 49, कितना जीरो। तो मेरे ख्याल से ये सारी की सारी बातें, अगर जैसे यहाँ पे कल को 30 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी दो संख्याओं का वर्ग निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, जिसके लास्ट में, जिसके लास्ट में जीरो हो। और यही नहीं, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो कि अगर तुम्हें, इतनी बातें समझ में आई ना, अगर जैसे कल को तुम्हें अगर दे दिया जाए, सपोज करो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दे दिया गया 100 का वर्ग, किसका, तो तुम एक बात ये देखो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, दो, तो दो दूना, तो एक एक के एक लिख के कितना जीरो, चार जीरो, कोई दिक्कत। तो कभी भी अगर तुम्हें स्क्वायर निकालना हो जिसके आगे जीरोस हैं, तो उतना जीरो बढ़ा दो जितना कि ऊपर इस लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो अंदर में कितना जीरो था, एक, तो दो जीरो बढ़ा दो। यहाँ पे कितना था देखो ध्यान से, यहाँ पे दो जीरो था, तो दो दूना चार जीरो बढ़ा दो। कोई समस्या नहीं आने वाली मेरे ख्याल से ना। जो नियम नंबर 2 है तुम्हारा, वो नियम नंबर 2 ये कहता है कि अगर संख्याओं के अंत में क्या है, 5 है, क्या है, 5 है, तो इसको भी निकालने में तुम्हें दिक्कत कतई नहीं आएगी। बस 2 मिनट ध्यान से देखो, इधर देखो, तुम्हें क्या करना है बच्चा पार्टी, कि ये जो लास्ट वाली संख्या है क्या है, 5, यहाँ क्या है, 5, यहाँ क्या है, 5, अरे भाई सारे जगहों पे क्या है, संख्याओं के अंत में क्या है, 5, तो सबसे पहले तुम 5 का वर्ग कर दो, 5 × 5 = 25, बस। उसके बाद यहाँ पे एक है, एक के बाद क्या आता है, दो, दो एक के, दो, बस काम खत्म। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई भैया, अभी नहीं आई, फिर से आओ, 5 का वर्ग 25, दो के बाद क्या आता है, 3, 3 दुनी, समझ में आया, अरे यार अभी भी नहीं आया, नहीं आया, चलो फिर से देखो, 35 का वर्ग, 5 × 5 = 25, 3 के बाद 4 × 3 = 12, बात अब तो समझ में आने लगी, अभी भी नहीं, फिर से आओ कर ले यार, क्या दिक्कत है, 5 × 5 = 25, 4 के बाद 5 × 5 = 20, चलो ऐसा करो फटाफट, इसका 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 फटाफट करो, फटाफट वीडियो को पॉज करो, जो YouTube वाले हैं, जो क्लास वाले हैं, तुरंत तुरंत क्या करो, फटाफट करो, फटाफट 1 मिनट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, सातों का फटाफट,
तो चलो मेरे ख्याल से सारे लोगों ने कर लिया होगा। चलो आओ फटाफट मेरे साथ मिलाओ, इधर आओ भाई। यहाँ पे भी क्या किया, पांच पंचे 25, 8 के बाद 9 और 9 8 72, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे आ जाओ, पांच पंचे 25, 5 के बाद 6 पंचे 30, यहाँ पे आ जाओ, पांच पंचे 25, 7 के बाद 8, 8 सते 56, कोई दिक्कत। चलो अब थोड़ा सा बड़ी संख्याएं हैं लेकिन दिक्कत नहीं लेना है। चलो पांच पंचे 25, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 धम्मा 110, इतना तो सबको पता होता है यार। चलो 115 है तो इसका पांच पंचे 25, पांच पंचे 25, उसके बाद 11 को 12 से गुणा करना, तो 12 एक के 12 और 12 एक के 12, 12 एक 13, बात समझ में आ गई। वैसे ही 125 का, तो पांच पंचे 25, फिर 12 में 13 से गुणा करना है, 13 दूना 26 और 13 एक के 13, 13 दो 15, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ 135 का, बच्चा पार्टी कमाओ जल्दी से, पांच पंचे 25, 13 में 14 से, तो 14 तियाम 42 और 14 एक के 14, 14 चार 18, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके बात समझ में आ रही ना, पक्का। भले ही तुम कक्षा 5 कक्षा 6 में पढ़ रहे हो लेकिन अगर ऐसे ही स्मार्ट तरीके से तुमने अभी से सवाल लगाने शुरू कर दिए तो तुम्हारा मैथ्स बहुत ही आसान हो जाएगा, अपने क्लास में मास्टर से भी तेज हो जाओगे, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल जी जान लगा के समझ लो, जी जान लगा के समझ लो। अब चलो इधर आओ, आज ये वाली जो ट्रिक है इसमें तुम किसी भी दो अंक की संख्याओं को 12, 32, 36, 85, 88 कुछ भी, ये नहीं जरूरी है कि 2 0 हो या 5 हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सब कुछ तुम्हें पहली ही बार में समझ में आना चाहिए। लेकिन देखो ध्यान से करोगे कैसे, जैसे इधर की एक कोई संख्या ले लो, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया 45, ठीक है, इसको दूसरी ट्रिक से करने चल रहे हैं। 45 है, तुम्हें ये पता है कितना आएगा 2025 आएगा, सबको पता है। आओ इधर आओ, मान लो कि तुम्हें 45 का वर्ग निकालना है लेकिन दूसरी ट्रिक से। अब सुनो मेरे भाई, इधर देखो, इस संख्या को मान लो ए, क्या मान लो A. इसको ए मान लो, इसको मान लो बी, क्या मान लो बी, और इसको मान लो सी, क्या मान लो सी। मान लिए, पहली बार में थोड़ा सा लेट होगा लेकिन उसके बाद तुम्हें जबरदस्त समझ में आ जाएगा, जबरदस्त। चलो इधर आओ, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ए का स्क्वायर, क्या ए का स्क्वायर, लेकिन एक ही संख्या लिखनी है, अभी बताते हैं कैसे। उसके बाद क्या करना है, ए बी सी, क्या करना है ए बी सी, उसके बाद क्या करना है बी का स्क्वायर, बस। ये बात भैया समझ में नहीं आई ना, चलो इधर आओ। ए का स्क्वायर का मतलब ए कहां लिखा है, 5, तो 5 पंचे 25, 25 के केवल 5 लिखना, हाथ आए 2, कैरी कितना 2। फिर यहां आओ, ए बी सी करो, यानी कि इसको 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 तीनों को गुणा करो, 5 चौके 20 दूना 40, और उसमें कितना कैरी आया था 2 ना, तो यहां पे 2 लिखो। नहीं समझ में आया, अरे देखो इधर देखो, 5 चौके 20 दूना 40, 40 दो 42, 42 के 2, हाथ आया 4, अब देखो 4 चौके 16, 16 4 20, देखो वही आया कि नहीं आया, ये देखो आया, लेकिन ये ट्रिक अभी समझ में नहीं आई, पक्का ना। चलो फिर से आओ, अब की बार फिर से कोई एक संख्या 25 ले लो, चलो 25 ले लो, 25 25 25, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुम्हें इसका वर्ग करना है। मैंने ये कहा मेरे भाई, इसको ए मान लो, इसको बी, इसको सी। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 50, 25 के 5, 25 के 5, उसके बाद क्या करो, इसको 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 तीनों गुणा कर लो, तो 5 दूनी 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, और यहाँ पे हासिल 2 आया था 22, 22 के 2, उसके बाद क्या करो, इसका स्क्वायर करो, 2 दूना 4, 2 6, आ गया कि नहीं। अब बात कुछ कुछ समझ में आई, अभी भी नहीं आई ना, चलो फिर से आओ इधर आओ,
जैसे मान लो तुम्हें 46 का क्या करना है, वर्ग क्या करना है, तो इसमें ए कौन सा है, ए ये है, बी कौन सा है, बी ये है, और इसका जो स्क्वायर लगा है दो, ये तुम्हारा सी है, क्या है, तो ए का वर्ग करो, 6 × 6 = 36, हासिल आया 3, याद रखना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, 4 × 6 = 24, 24 × 2 = 48, 51 के हासिल आया 5, 4 × 16 = 21, गुणा करके देख लो इतना ही आएगा, पक्का इतना आएगा। अब बातें समझ में आ रही हैं, कुछ कुछ अभी भी नहीं आया, देखो अभी तुम थोड़ा सा छोटे से बच्चे हो इसलिए तुम्हें ए बी सी में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन तुम्हारा ये डर हम खत्म करवाएंगे पक्का। पहले इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का, चलो फिर से आ जाओ, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं और फिर से कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जब छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। इधर आओ, देखो मान लो कि तुम्हें क्या करना है, 12 कवर करना, किसका, वैसे भी सबको याद रहता है कि 144 आता है, लेकिन फिर भी इधर देखो, यहां पे क्या होगा, ए, यहां पे बी, ये क्या है, सी, तो सबसे पहले ए का स्क्वायर 2 × 2 = 4, फिर ए बी सी, तो 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, फिर 1 × 1 = 1, हो गया कि नहीं, फिर से आओ, अभी इधर आओ, अब संख्या थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, अब हम ले रहे 24, क्या ले ले रहे हैं, 24, 24 का क्या करना है, वर्ग, चलो ये बताओ, ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, ये क्या है, सी, चलो सबसे पहले ए का वर्ग, सबसे पहले ए का वर्ग, अरे यहाँ पे लिख लो, ए का वर्ग, फिर ए बी सी और फिर बी का वर्ग, यही काम करना है तुम्हें, क्या करना है, यही काम करना है, चलो इधर आओ, 4 × 16, फिर क्या करना है, 4 × 8 = 16, 16 + 1 = 17, 17 × 7 हासिल आया 1, 2 × 2 = 4, 4 × 5 आ गया 576, है मजेदार कि नहीं, संख्या और बड़ी किया जाए, चलो आ जाओ, ले लो 36 का वर्ग, किसका, 36 का वर्ग, पक्का, चलो कमाओ जल्दी से, ये क्या है, ए, ये क्या है, ये क्या है, 6 × 6 = 36, 36 × 6 हासिल आया 3, अब देखो 36 × 18, 18 × 2 = 36, 36 × 3 = 39, हासिल आया 3, 3 × 9 = 12, अब बात समझ में आ रही कुछ कुछ, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक बात जान ले, जितनी प्रैक्टिस करोगे, घर पे जाओ और ढेर सारा सवाल खुद से ही क्रिएट कर लो और ढेर सारी प्रैक्टिस करो, इतना हैबिचुअल हो जाओगे इसके, इतनी तुम्हें आदत लग जाएगी कि तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो जल्दी से फटाक से इधर आओ, और बड़ी संख्या ले लें, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 47, क्या ले लेते हैं, चलो इधर आ जाओ, 47 का क्या करना है, स्क्वायर, 7 × 7 = 49, फिर 7 × 28 = 56, 56 × 4 = 60, और 4 × 16 = 22, अब मुझसे पहले बच्चे करने लगे हैं, करने लगे हो पक्का, एक दे, चलो लिखो, लिखो 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 लिखो, 62, जल्दी से देखते सबसे पहले कौन बताता है, 62, यस, 1, 2, 3, 4, 5, कितना बताओ, 5 सेकेंड के अंदर आंसर आ गया, कैसे आ गया, इधर देखो, फिर से देखो, इसका स्क्वायर, ओके, तो ये संख्या क्या है, ए, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, सी, 2 × 2 = 4, 6 × 12 = 24, 24 × 4 = 36, 36 × 2 = 38, कितना आया, 38 × 44 आया, सबका पक्का, नेक्स्ट नेक्स्ट करें, अरे नेक्स्ट करें पक्का, चलो आ जाओ, 68 का स्क्वायर करना है मेरे बच्चे, फटाफट कर दो, फटाफट फटाफट कर दो, आ गया आंसर, आ गया, कितना आया, वेरी नाइस, देखो अब बच्चे स्मार्ट होने लगे, वेरी नाइस, और किसका आ गया, बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से इधर आओ, 8 × 2 = 64, हासिल लगा 6, 6
देखो 8 × 6 = 48, 48 × 2 = 96 और 96 × 6 = 102, 102 के अरे भाई 102 लिखे तो यहाँ पे 2 लिख दो, हासिल आया 10, 6 × 6 = 36, 36 × 10 = 46, इतना आया था आंसर, बोलो हाँ या ना, पक्का? वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो जल्दी से आ जाओ, फिर से अब की बात जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो इधर देखो 92 का स्क्वायर, जल्दी से फटाफट ये चीजें आ गई तो आप स्मार्ट कहलाओगे, पक्का जान लो। कितना? चलो देखते हैं, 2 × 2 = 4, 9 × 2 = 18, 36 × 6, 9 × 9 = 81, 81 × 3 = 84, इतना आया है, पक्का? मेरे ख्याल से ये सारी की सारी ट्रिक तुम सारे जनों को समझ में आ गई, पक्का? चलो अब ऐसा करते हैं, कुछ होमवर्क जैसा काम कर लेते हैं, ओके? पक्का? तो ध्यान से सुनो, ये ट्रिक तुम्हें कहाँ काम आने वाली है और कहाँ पे तुम इसका यूज करो, ये ध्यान सुनो। कभी भी जब तुम नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बैठोगे या लाइफ में आगे जब बढ़ोगे और कोई भी परीक्षा, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देने बैठोगे, तो उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर तुम जैसे मान लो कहीं 24 का स्क्वायर पड़ गया या 92 का स्क्वायर निकालना पड़ गया, अब तुम बैठे हो 92 का स्क्वायर निकालने, तो एक सवाल के लिए मैक्सिमम तुम्हें 1 मिनट या 1.5 मिनट मिलता है और तुम 1.5 मिनट में केवल स्क्वायर निकाल रहे हो, तो क्या वो सवाल समय में लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट या जो सरलीकरण वाला पार्ट होता है वो तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग होने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि कम से कम तुम्हें स्क्वायर निकालना स्मार्टली से आ जाए। तो क्या ये मैं मान सकता हूँ कि तुम्हें स्क्वायर निकालने में 2 अंकों का, स्पेशली 2 अंकों का, आगे चल के मैं तुम्हें 3 और 4 अंकों का भी बताऊंगा, लेकिन क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? पक्का बोलो, पक्का? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास हम सारे जनों को समझ में आई, आई? पक्का? तो होमवर्क करके लाओगे? ढेर सारा होमवर्क करके लाओगे? पक्का दे? चलो ठीक है। तो होमवर्क ये है कि 1 से 30 तक का स्क्वायर अब तक तुम लोग निकाले थे, और भी गधों की तरह निकाले थे मल्टीप्लाई कर करके, ओके? लेकिन आज क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले 1 से 100 तक की संख्याएं लिखनी है। क्या करनी है? 1 से 100 तक की संख्याएं, वो भी अपनी फार्मूला वाली नोटबुक में, मैंने बताया है ना, यूट्यूब वाले भी जान लें। तुम्हारे पास 3 कापियां होनी चाहिए, 1 कापी ऐसी होनी चाहिए जब तुम मेरा लेक्चर देख रहे हो या जब तुम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उस समय एक रफ कॉपी होगी जिसमें तुम ये सारे काम फटाफट करोगे। दूसरी कापी ये होगी, अगर मैं लेक्चर के दौरान कोई भी तुम्हें फार्मूला बताता हूँ या कोई शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? फार्मूला वाली कॉपी में। और तीसरा ये होगा कि जितने भी मैं सवाल करवाता हूँ वो सारे के सारे सवाल तुम्हारे असली नोट्स में जाने चाहिए, जिससे कि साल के अंत तक तुम्हारे पास इतने जबरदस्त क्वेश्चन के क्वेश्चन बैंक हो जाए तुम्हारे पास। एक्चुअली क्या हो जाए? क्वेश्चन बैंक, जिसमें से कि अगर थोड़ा सा भी तुम पलट के चले जाओ तो नवोदय में सिलेक्शन तो साला 101% पक्का हो जाएगा, ओके? तो 3 कापियां तुम्हारे लोगों के पास भी होनी चाहिए और क्लास वाले तो जानते ही हैं, ओके? तो इस तरीके से 3 कापियां सारे जनों के पास होनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत होती है तो तुम लोग कमेंट करके बताना, और क्लास वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके? कोई दिक्कत? तो आज की क्लास ओवर करें, चलो।